हेलो किड्स, गुड मॉर्निंग। से गुड मॉर्निंग। यस, नाउ टुडे इन लैंग्वेज इन लॉजिक वी विल डू आफ्टर नंबर्स, पेज नंबर 75 एंड 81 to 90। ओके, आफ्टर नंबर्स करेंगे। ओके, एंड यू हैव टू सी हियर एंड टेल मी व्हाट कम्स आफ्टर दिस नंबर। ओके, और मेरे साथ साथ करना है। ओके किड्स, नाउ सी विच नंबर इज दिस। यस, 81 विच नंबर? 81 एंड व्हाट कम्स आफ्टर 81? लुक हियर, 81 के बाद कौन सा नंबर आया इधर? Yes, 82. So here you have to write 82. Now, which number is this? Yes, 82. ठीक है, तो 82 के बाद कौन सा नंबर आएगा? Look here, 82. And what comes after 8 to 82? Yes, 83. You have to speak and write. Okay? Very good. अच्छे से लिखते हो ना सर? Yes, very good. Now which number is this? 83. And what comes after 83? 83 के बाद कौन सा नंबर आया? Look here. Yes, 84. So here you have to write 84. Now here is 84. And what comes after 84? किसके बाद क्या आया? Yes, 85. Here you have to write 85. Now here is 8585. And what comes after 8585? Look here, 85 के बाद कौन सा नंबर है ये? Yes, 8686. है ना? So here you have to write 8686. Now here is 86. Now 86 के बाद क्या आया? Yes, look here. What comes after 86? 87 ना? So here you have to write 87. Now next, which number is this? 8787. And what comes after 8787? Look here. Yes, 8888. कौन सा नंबर आया? 8888. Here you have to write 8888. Now here is कौन सा नंबर है ये? Yes, 8888. What comes after 8888? Look here. 88 के बाद कौन सा आया ये? 89 ना? So here you have to write 89. Now here is which number? 89. और 89 के बाद? Yes, 9090. देखो इधर आया ना, 9090. So here you have to write 9090. Now which number is this? 8080 के बाद क्या आया? देखो ये 8080 है ना, तो उसके बाद क्या आया? 81 आया ना. सो हियर यू हैव टू राइट 81. ओके गाइस, लाइक दिस यू हैव टू डू दिस इन सी. लुक हियर, यू आर हैविंग दिस बुक ना? यस. In page number 75, you have to
डू दिस. ओके नाउ वी विल डू बिटवीन नंबर्स. पहले हमने क्या किया? आफ्टर नंबर्स. नाउ वी विल डू बिटवीन नंबर्स. ओके सी दिस इज विच नंबर 81. देन 81 के बाद क्या आता है? 82 एंड देन 83. तो बिफोर नंबर एंड आफ्टर नंबर इज रिटन, पर बिटवीन नंबर हमको लिखना है, बीच वाला नंबर. ओके तो व्हाट कम्स आफ्टर दिस इज 81. व्हाट कम्स आफ्टर 81? यस 82 एंड 83 इज रिटन. सो 82 इज अ बिटवीन नंबर. ओके देन विच नंबर इज दिस? 88 and here is 9090. So 8888 के बाद क्या आता है? Look here, 8989 ना. So here you have to write 8989 and 9090 is written. So 89 is a between number. Now which number is this? 8484 and this is 8686. तो ये दोनों के बीच में कौन सा नंबर आएगा? यस 8484 देन 8585 देन कम्स 8686 व्हिच इज रिटर्न. सो 8585 इज अ बिटवीन नंबर. नाउ नेक्स्ट व्हिच नंबर इज दिस? 8383 एंड दिस इज 8585. सो 8383 के बाद कौन सा नंबर आता है? 8484 एंड 85 इज रिटर्न हियर. सो 8484 इज अ बिटवीन नंबर. नाउ 8585 एंड दिस इज 8787. सो बिटवीन नंबर कौन सा आएगा? 8585 के बाद क्या आता है? 86. So 86 is a between number. Everybody is writing now? Yes, very good. Now, which number is this? 86 and 88. So what comes after 86? 86 के बाद कौन सा नंबर आता है? 87. And then 8888. So 8787 is a between number. Now here is written 87. और इधर कौन सा नंबर है? 89. तो अब between number कौन सा होगा? Yes, try to tell. 8787 के बाद क्या आता है? 88. And then 8989. So 8888 is between number. Okay, like this you have to do this next page also, page number 76. Okay, now we will do the spelling of tree. Hai na, kaun sa spelling? Tree, number name. पहले हमने वन और टू का स्पेलिंग लर्न किया था ना, तो पहले हम क्या करेंगे? वन एंड टू का स्पेलिंग रिवाइज करेंगे एंड देन आई विल टीच यू द स्पेलिंग ऑफ थ्री. ओके सो टेल मी, डू यू रिमेम्बर? आपने लिखा था ना नोटबुक में एक एक पेज. तो ओ एन ई वन. ओके अगेन O and E, one. Then T W O, two. T W O, two. Look, आपने ये वाले नोटबुक पे पहले लिखा था ना? See, one and two. Now you have to learn the spelling of three. ओके सो क्या करना है आपको?
को पहले थ्री लिखना है, देन डैश, देन स्पेलिंग ऑफ थ्री, टी एच आर डबल ई, थ्री टी एच आर ई थ्री, ओके अगेन थ्री लिखना है पहले, देन डैश, वन बॉक्स में थ्री, अनदर बॉक्स में डैश, देन एक एक बॉक्स में लिखना है टी एच आर डबल ई थ्री, यू हैव टू स्पीक एंड राइट, ओके अगेन वी विल राइट थ्री डैश टी एच, कैपिटल टी लिखना है, स्मॉल एच स्मॉल आर एंड स्मॉल ई, टी एच आर डबल ई थ्री, अगेन थ्री डैश टी एच आर डबल ई थ्री, ओके वन मोर टाइम, टी एच आर डबल ई थ्री, ओके लाइक दिस यू हैव टू राइट इन दिस नोटबुक, ओके एंड पेरेंट्स विल प्रिपेयर दिस पेज फॉर द किड्स, ओके एंड यू हैव टू लर्न द स्पेलिंग ऑफ वन टू एंड थ्री एंड ऑल्सो राइट हियर द स्पेलिंग ऑफ थ्री, ओके किड्स बाय।